दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के बारे में। मैं आप सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या चंद्रशेखर आजाद जी कोई गुंडा है, कोई मवाली है क्या? आप इसका पहले सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, क्योंकि एक बसपा के नेता ने, एक बसपा के कार्यकर्ता ने एक मीटिंग लेते हुए चंद्रशेखर आजाद जी और उनकी टीम को गुंडाई टीम और गुंडा कहकर पुकारा है और कहा है कि जो अपनी मूंछों पे ताव देता है वो गुंडे होते हैं। तो ये वीडियो देखिए। बतावा किसका आउट है इनके पास? दहेज चमारों की बात, दलित समाज की बात, वो बहन जी को नेता मानता है, चंद्रशेखर को नहीं मानता। चंद्रशेखर के साथ वो है जो मूछ रख कर गुंडा बनना चाहते हैं, जो सब इंसान है वो बहन जी के साथ। 15,000 वोट पे लगे चमारों की, कम से कम 15,000। आप बेचिंता हो जाए, जब इतने बड़े कमेरे हैं दोनों विधायक आमने सामने बैठो। चुप रहो। अब दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद कोई गुंडे हैं जो इस प्रकार से ये बसपाई नेता उनको गुंडा ठहरा रहा है? हम किसी का विरोध और किसी का समर्थन नहीं करते, लेकिन जो आपके हक के लिए लड़ाई लड़ता है, जो आपके हक के लिए हमेशा मैदान में खड़ा रहता है, जो आपके अत्याचार के खिलाफ हमेशा बोलता है, जहां भी आपके ऊपर एट्रोसिटी होती है, अत्याचार शोषण होता है, वहां सबसे पहले पहुंचता है, तो क्या आपकी हक की लड़ाई लड़ने वाला बंदा गुंडा हो सकता है? क्या आपके हक की आवाज उठाने वाला, आपके हक की लड़ाई रोड पे लड़ने वाला इंसान गुंडा हो सकता है क्या? नीचे कमेंट करके बताइए, और अगर कोई जवाब देना चाहता है इस बंदे को जो चंद्रशेखर जी को गुंडा कह रहा है, वो दे सकता है। लाइक करें, शेयर करें।